तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डीडम केटी क्रीम के बारे में। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हुआ, साथ में आपको सूजन है, रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन है, तब तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं। हम इसके बारे में चार टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल कैसे वर्क करता है, कब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जैसे कि आप अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हम जानते हैं डीडम केटी क्या है। डीडम केटी एक क्रीम है, इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऐड किया गया है, कीटोकोनाजोल, लियोमाइसिन, क्लोबेटाजोल, और इसके अंदर ऐड किया हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोक्विनोन और टोलनाफाइड। तो इसका जो पैक है वह 15 ग्राम का है, और इसे यूनिवर्सल फार्मा द्वारा बनाया जाता है, और इसकी कॉस्ट है 75 रुपीज़। अगर इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में हमें क्रीम देखने को मिलती है। तो डीडम केटी का इस्तेमाल आपको दस्त खास से जुड़ी समस्या में इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं मॉलिक्यूल कैसे वर्क करते हैं। इसका जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो जो एंटीफंगल है वो फंगाई को किल करते हैं, और जैसे कि इसमें कीटोकोनाजोल, हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्विनोन है और टोलनाफेट है, ये फंगस को मारते हैं, साथ में बैक्टीरिया को भी इसमें किल करते हैं। और इसके अंदर नियामाइसिन है तो बैक्टीरिया को स्पेशली किल करती है, और इसके अंदर क्लोबेटाजोल ऐड किया गया है तो ये इन्फ्लामेशन, सूजन, रेडनेस, स्वेलिंग को कम करता है। तो इस तरह से ये 5 मॉलिक्यूल वर्क करते हैं इसके अंदर। जो आपके दांत खाज खुजली से जुड़ी समस्या रहती है, जिसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, सूजन, इरिटेशन, ईचिंग रहता है, तो उसे ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके अंदर हायर स्टेरॉइड होने की वजह से आपको स्किन का पतलापन देखने को मिल सकता है, और वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर ज़्यादा एप्लीकेशन कर, इसका एप्लीकेशन आपको थीन लेयर आपके अफेक्टेड एरिया पे करना है, जहाँ पे आपको दांत का खुजली, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इरिटेशन, ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग है, वहाँ पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका रिजल्ट आपको फर्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन में मिल जाता है। लेकिन अगर आप बंद कर देंगे तो भी इन्फेक्शन कंसिस्टेंट रहता है। तो उसको कम करने के लिए आपको इसे लगभग 10 से 12 दिन यूज करना रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग, ट्वाइस डेली। तो अगर आपने कभी परचेस किया डीडम केटी क्रीम को, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिला है, क्या साइड इफेक्ट देखने को आया है, आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में आप डिस्कस करें। तो जैसे कि और भी आप जानकारी रखना चाहते हैं तो पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसे कि आप को ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियो देखना चाहते हैं रिगार्डिंग दांत का खुजली से जुड़ी समस्या में तो आई बटन उससे क्लिक करके देख सकते हैं।